हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 6:30 हो चुके हैं और हम दोनों अभी उठे हैं। और कुछ इस तरह का कल रात को जहां हम रुके थे ऐसा कुछ सेटअप यहां पे हमारे पास था और ऐसी कुछ लोकेशन थी, तो मैं आपको दिखाता हूं हमने कहां गाड़ी लगाई थी और कहां पे हमारा टेंट लगा था। तो ये पहले सबसे पहले ये हेलीपैड है, किलाड़ हेलीपैड। और हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई थी और गाड़ी के साथ ही यहाँ पे जस्ट हमने अपना टेंट लगा दिया था। तो कल रात को कुछ ऐसा रहा सोने का, हम थोड़ा लेट हो गए थे सोने में, तो नींद तो बढ़िया रही, मुझे तो बहुत बढ़िया रही। बाकी सिंपी बोल रहा है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी नहीं था, फर्स्ट टाइम में टेंट में रुका भी था, तो बोल रहा था मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल और थोड़ी ठंड रही इसको। शायद हो सकता है कि नींद नहीं पूरी हुई है इसकी, इसलिए इसको थोड़ा कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। तो अभी सुबह 6:30 हो गए हैं, अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारियां, करते हैं फ्रेश होते हैं। यहाँ साथ में पानी का है हमारे पास सोर्स, तो जाते हैं वहाँ पे हाथ मुंह धोते हैं। अब बस हमारे कुक साहब उठ गए हैं तो इनका सुबह सुबह का सेटअप जो है वो रेडी होने लग पड़ा है, तो ये बनाएंगे अब सुबह चाय। सुरार वैली की तरफ और रास्ते में देखेंगे कहीं पे, अभी हमने ब्रेकफास्ट भी करना है तो कुछ सामान लेना हमें, तो सामान लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको भी लेके चलते हैं अपने साथ सुरार वैली में। सिंपी कुछ आज ढीला हो गया, कुछ नींद पूरी नहीं हुई इसकी रात को। हैं, क्या हो गया रात को? हैं, क्या हुआ रात को? नींद नहीं हुई पूछा। हम जहाँ कल रात को गलती से जो रास्ता बंद था उस हमें रास्ता चेंज करना पड़ा था, बड़ा नैरो रास्ता था, तो अभी फिर से सुबह वही काम हो गया, हम टर्न लेना भूल गए और फिर से उसी रास्ते पड़ गए और कोई ट्राइबल मिस्ट आया हुआ तो वापस यू टर्न भी नहीं ले सकते। तो हम सोच रहे थे कल ही कि इतना बहुत बेकार रास्ता था तो उसी रास्ते से फिर जाना पड़ रहा है। रास्ता देखिए, रास्ता तो है क्या, ये पूरा पूरा रास्ता है, और अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाती तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं भी पास कोई जगह है। अभी सारे लोग सो रहे हैं, शायद अभी गाड़ी ना आए। सारे सो रहे हैं, अभी जागे बस। आंटी जागी और आंटी हट गई बस। आप निकल ही जाओ इस रास्ते से, कोई बात नहीं, गलत आ गया। चल एक मोड़ रहा है, ये है पूरा 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 पूरा, तो यही तो ड्राइविंग का पता लगेगा। हाँ बस यही तो पता लगवाना है। आगे ये दीवार भी देख ली, आगे उधर अपनी साइड का दीवार है, शीशे की दीवार है। चल बस हो गया खत्म। गुलाबगढ़ 46 है, किश्तवाड़ 115 है, पत्नीटॉप दूर है, जम्मू 338 है। तो अभी हम निकलते हैं सुराल और उसके बाद निकलेंगे किश्तवाड़। रास्ता भूल रहे हैं बार बार, अब आप वो रास्ता ना भूलने, बस कल रात से स्टार्ट हो गया था रास्ता, अब जहाँ एक जगह बंद था उसको भूल रहे हैं और अब फिर से दोबारा रास्ते में सही रास्ते पर आ गए हम लोग। सिंपल है, सोच वो शॉपिंग की है। और ये पूरा किलाड़ का इलाका, गांव आसपास के, थोड़ा सा रोड अगर सही आता तो ऐसा लगता कि बस नज़ारे आगे हाईवे पे आ गए हम लोग, पर ये थोड़ी देर का ही मज़ा होता है, उसके बाद जो अगला रोड आता है वो बिल्कुल सजा होता है हमारे लिए। फोटो दिखा। ए मम्मा की मशीन
निकाल दो ना बाहर। निकलाना है। हाँ। अच्छा हाँ, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक निकालोगे नहीं, है ना उसको। अभी रास्ते में पता नहीं कौन सी नदी नाला कौन सा है ये पता नहीं हमें, बट हम लोग जा रहे थे सुराल वैली की तरफ, तो बहुत ही सुंदर एक व्यू सुबह सुबह हमें देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दूध की जो धारा आ रही है अभी, जो वाइट जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है। लोकेशन है और ठंड का तो ऐसा साथ है यहाँ पे कि मतलब बहुत ज़बरदस्त। अभी तो मैं भी सुबह मैंने भी शूज़ नहीं पहने हैं, स्लीपर्स में ही हम लोग चले हुए हैं। तो हम सोच रहे थे कहीं अच्छा सा एक स्पॉट मिलेगा जहाँ पे पानी हो वहाँ रुकेंगे और उसके बाद शूज़ वगैरह पहनेंगे। आगे ब्रेकफास्ट का भी कुछ हमारा भी बन नहीं पा रहा क्योंकि सिंपी बोल रहा है कि कुछ ऐसा खाएं जो सब्जी फूलता टाइप, तो देखते हैं अगर ढाबा देखेंगे कहीं मिलता ढाबा। तो अभी हम लोग सुराल भटोरी के रास्ते में हैं और यहाँ पे धूप भी है और पानी जो हम कॉम्बिनेशन बहुत देर से मांग रहे थे, तो यहाँ पे हाथ मुँह यारा धो के थोड़ा फ्रेश होते हैं। गाड़ी लगाई है वहाँ से सुराल भटोरी कितने किलोमीटर पास सी पिया के 16 हाँ 10-11 किलोमीटर जो यहाँ से पैच है वो अब इसके बाद आएगा ऑफ रोडिंग वाला। तो अभी तक तो ये सारा मेटलिंग होगी और काम चला हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग आएंगे या हम आएंगे तो अगली बार होपफुली रास्ता हमें जो है वो पक्का मिलेगा। तो निकालते हैं अपना सामान, साबुन शैम्पू टॉवल्स और होते हैं फ्रेश। और सिंक बहुत हिम्मत वाला काम करने जा रहा है, पानी इसका बिल्कुल ऐसे बर्फ से निकला पानी है। अभी हमने यहाँ पे पानी का पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी जो डस्टर है उसको वॉश किया है, हल्का फुल्का पानी मारा बस वैसे तो, पर फिर भी बहुत फर्क लग रहा है, साफ़ सुथरी लग रही है गाड़ी। सिंपी तो अंदर से भी धोने को बोल रहा है पर मैं खुद मना कर रहा हूँ, मैं कहा भी कच्चा ही रोड है तो देखते हैं कल करेंगे अंदर से मैट साफ। अब निकलते हैं यहाँ से सुराल के लिए और ये गाड़ी तो धो ली है, पर इसके बाद जो सारा रोड आ रहा है वो कच्चा ही रोड आगे धोनी है। मैं बोलता अपनी बाइक कर रहा पीछे। चल ठीक है मैं करता हूँ, ये नहीं मान रहा है इसको, मैट धोने की पड़ गई है। सिंपी ने पीछे आधा ये डब्बा भर के रख दिया पानी का और पूरा छल 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 हो रहा है। बड़ी इरिटेटिंग साउंड है पर इतना पानी है हर जगह, इसको लगता है कि पानी नहीं मिलेगा बस। नहीं भाई फिर शाम अभी हम लोग सुराल में हैं और ससुराल में हम किसी के तो ससुराल में होंगे, तो सुराल वैली पहुंच चुके हैं और ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रुके हैं। एक होम स्टे है यहाँ पे, होम स्टे कोई नाम पता नहीं क्या नाम है, दुटवानी कॉटेज में हम लोग, और अभी ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। टाइम कितना हो गया सिंपी? 10:30 हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया जगह और उपजाऊ भी लग रही है क्योंकि थोड़ा वैली टाइप में है और खेत बहुत
खुले खुले खेत हैं, ऐसे एरिया में इतने बड़े खेत होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किलाड़ में आपने देखा होगा बिल्कुल भी जगह नहीं थी वहाँ पे ऐसे कोई खेतों के लिए बड़ी बड़ी, और लोग बिल्कुल मेहनती बहुत मेहनत के साथ लगे हुए अपने खेतों में काम करने के लिए, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं ये लोग। हम लोग थांगी मांग रहे थे तो थांगी यहाँ पर मिलेगी नहीं, अब किलाड़ में पता किया था पर वो पीछे रह गया, अब देखते हैं पीछे जिन्ना जाना पड़ेगा। यहाँ हम लोग यहाँ सुराल वैली में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, तो काफ़ी अच्छा सेटअप इन्होंने किया हुआ है होम स्टे का अपने जुटवाड़ी कॉटेज होम स्टे। इनक्रेडिबल सुराल यार, ये वाटरफॉल चाबी यहाँ से आई थिंक ट्रैक है इसके लिए, ताशी चोलिंग गुम्पा ये होगा कहीं पे यहाँ पे, और ये इनका नंबर है तो इनकेस किसी ने बुकिंग करानी है आप इनको कॉल कर सकते हैं। और व्यू तो यहाँ से ऑसम है ही है, तो करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये कुछ इस तरह का एरिया है सुराल वैली के टॉप, और यहाँ से नीचे का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, क्या बात है, और सामने ग्लेशियर्स पुराने, और इस तरफ ये हेलीपैड का काम चला हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है हेलीपैड, और इस तरफ कैंपिंग साइट, और सामने बर्फ़ के पहाड़ जो अभी फ्रेश स्नो लग रही है बिल्कुल टॉप पे। एरिया तो आप लोग देख ही सकते हैं बहुत प्यारा एरिया है, किलाड़ से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और लोग बहुत हेल्पफुल हैं। अभी हम जिसके पास रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए वो भी बहुत बढ़िया बंदा था, ओवरऑल ऐसा एक्सपीरियंस रहा आज का हमारा बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे इसी रास्ते से वापस जो यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, और आज देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं हम लोग, गुलाबगढ़ या किश्तवाड़ जहाँ भी पहुँचेंगे, और स्टे आज वहीं करेंगे, तो टाइमली निकलते हैं। सिंपी क्या बोलता है? तो अभी टाइमली निकलते हैं, कल भी यही हुआ था, अगर कल लेट हो जाएंगे फिर रात को, फिर सारा सेटअप करना मुश्किल हो जाता है, टेंट से लगाना और जगह ढूंढना। अब यहाँ तक तो फिर भी किलाड़, अब इसके बाद हम जे एंड के में एंटर कर जाएंगे, तो जब जे एंड के में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें सेफ्टी पर्पज से भी जगह देखनी है कि कहाँ हम अपने टेंट्स लगाएं। तो बस अब यहाँ से करते हैं बंद सुराल वैली का चैप्टर, और निकलते हैं टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ किश्तवाड़ भद्रवाह एंड पदरी जोत। यहाँ रास्ते कुछ ऐसे समझ नहीं आता कि रोड पे ध्यान दें या आसपास के ग्राउंड और ये जो पहाड़ है इनको देखें, पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आप लोग पांगी किलाड़ आते हैं तो अगर आपने स्टे करना है तो कोशिश करें कि टाइमली निकलें, और ताकि सुराल वैली आप पहुँच जाएँ और सुराल वैली में ही आके स्टे करें, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर सुराल वैली ही है। 20 किलोमीटर है किलाड़ से यहाँ से 20-25, एक घंटा लेके चलिए, आप एक घंटे में आप पहुँच जाएंगे। और ये देखिए सामने कैंपिंग साइट, बहुत प्यारी कैंपिंग साइट है, बहुत। और ये आई थिंक जम्मू की जो बाउंड्री स्टार्ट हो चुकी है, और अभी यहाँ पे बस चेक पोस्ट आएगी, और मैंने सुना है अभी यहाँ पे जियो की जो लाइन्स है वो बिछरी हैं, तो इसकी वजह से जो है 4 घंटे जाम में गाड़ी फंसी थी, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे जल्दी थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ताकि अभी लंच टाइम हो उनका 1 से 2, और 1:30 अभी हो गए हैं, यहाँ तक भी काम चला हुआ है। अपनी गाड़ी डस्टर 1-2 बार नीचे टच हुई है, तो अभी मैं देख ही रहा था कहीं कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, ऐसे तो ऐसे कुछ नजर आ नहीं रहा। कैंची रोड के साथ खेल रहे थे, आज फिर से वही हालात है, और जो रास्ता हमने सोचा था उससे
ज्यादा ही कुछ खराब है इस रास्ते की कंडीशन। ये क्या बनाया रोड? रोड नहीं बनाया, बनाया मौत का कुआं। भाई साहब पत्थर ऐसे टिके हुए ऊपर, जैसे बड़ा बुरा हाल है। मौसम पर दो दो मिनट में चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी बादल एकदम से। कभी धूप कभी छाया, पर ये आने वाले टाइम में रास्ता बहुत जल्दी बनने वाला है, काम लगा हुआ है। अभी रास्ते में गुलाबगढ़ नहीं पहुंचे थे हम लोग, और यहाँ पे कुछ काम लगा हुआ है, एक घंटे से यहाँ रुके हुए हैं हम लोग, और अभी हाफ एन आवर और लगेगा। और अभी रास्ते में हम अपने कल वाले फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हमारे विष्णु एंड चेस्टर, हमें अभी मिले हैं रास्ते में, तो ये भी यहाँ पे स्टक हैं अभी रास्ते की वजह से। और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि आज कैंपिंग हम साथ में करेंगे। ये तो आज किश्तवाड़ जा रहे हैं, ऑफकोर्स है, और ये आज किश्तवाड़ वैसे स्टे कर रहे थे और रास्ते में हम मिले ने, तो गुलाबगढ़ रुक रहे हैं अभी हमारे साथ ही। तो ये कुछ ऐसे हालात अभी यहाँ पे, आई थिंक हाफ आवर लगेगा उसको, हाफ एन आवर लगेगा, रास्ता साफ ही नहीं। BRO ये काम करवा रहा है, बट ट्रैफिक इतना नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है इतनी इस रोड पर। इफ आई लीव ही विल गो। चेस्टर को यहाँ रुके हुए दो से ढाई घंटे, पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। रोड ब्लॉक किया आपने। चेस्टर ने सभी को डरा दिया आज सारे। AK-47 है छोटी वाली। आज रात को इसने हमारे साथ ही रुकना है। इसको मटन बुटन ज्यादा अच्छा खिलाना पड़ेगा, कुछ स्पाइसी वाला। स्पाइसी इसको वो करेंगे, क्या बोलते हैं, आग में, आग में, आग में भून के ना इसको, जैसे रोस्ट रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं क्या हालात है, बाइक को निकलना मुश्किल हो रहा है। तू भी पा रहा है, और ट्रक आ रहा है, वो हमने गाड़ी लगाई, जगह तो है नहीं। बाइक्स के टायर देखिए एक बार जरा, बिल्कुल मिट्टी में चलाई है, तो गाड़ी तो बहुत बुरा हाल हो रहा है चलाना। नेक्स्ट मैं सिंपी को दे रहा हूँ ये, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग करें, इसको ऑफ कर दे भी जब चलेगी, तो ऑन करना है अभी। देखिए रोड के हालात, ये ट्रक निकल गया है अभी, काफ़ी मुश्किल से निकला है ये। अब देखते हैं नीचे से और गाड़ियाँ आ रही हैं, अभी हम देख रहे हैं वो रोड को साफ कर रहे हैं। वहाँ देखिए चेस्टर पीछे से कैसे देख रहा है, जीभ निकाल के, जीभ निकाल के। वो नीचे से गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं अब आने के लिए। तो हमारे मिस्टर राइडर बंटी, राइडर की तो ऐसी तैसी हो गई है भाई, रोड को देखिए। ये देखिए दूसरी गाड़ी आ गई है यार, ये देखो गाड़ी, वाह वाह, ये तो उड़ते हुए आ रहे हैं सीधे ही, उड़ना पड़ेगा भाई। ये देखो बोलेरो, पहाड़ों की रानी, वाह वाह, जस्ट एक्सप्लोर। चलो चलो, हमारे हीरोज रोड के, जो सचिन टिचकुले,
जिनका रोड रोलर खराब हो चुका है अभी ठीक करके देता हूँ अभी ठीक करके देता हूँ म्यूनसिपलिटी ऑफिस में चलान हो चुका है इनका, इनके टायर पंचर हो चुके हैं जो कि लोहे के हैं। ये देखो भाइयों लास्ट ट्रक का राज, ये देखो तेजा मूवी का जो किरण खेर के पास था, अनिलपुर का जो पीछा करता है आ रहा है, देखते हैं ये क्रॉस करता है इस रोड को कि नहीं। तो हमारी गाड़ी पे आगे इसने फूल बांध रखे हैं और ऊपर गन भी है इसकी सीधा हमारी तरफ चला रहा है सच में यही आ रहा है। ये इसके टायर भी बड़े यार हैं, भी यार ओके किरण खेर पानी लेके जा रहा है, क्या है पानी लेके जा रहा है, फंस गया भाई बड़ी, रुक तू फंस, पकड़ इसको पकड़। ये अब हम चल पड़े हैं नीचे, कोई गाड़ी नहीं बची अभी आने के लिए, तो ये विष्णु जी आगे चले गए हैं और अब हम भी जा रहे हैं। वैसे तो रोड ठीक है, ज्यादा हमारे साथ एक अभी ऊपर टिपर का ड्राइवर था लोकली गुलाबगढ़ से, तो उसने कुछ हमें डरा दिया है, बोला अभी तो आप आए क्या हो, आगे बता रहा था कि एक नाला आएगा जो काफी खराब रोड है, वो बोला वहाँ तो गाड़ियाँ फंसती फंसती हैं और नीचे लगने के पूरे चांसेस हैं, तो अब देखते हैं। चलो मिलते हैं अब वहाँ पे, क्यों बिल्कुल बिल्कुल ओके भाई। इन रास्तों का तो मजा कुछ और है, ये जो विष्णु है ये मैं कल मिला था और कल केरला से शायद हमने पहले भी इंट्रोडक्शन दी थी, तो कल से हम मिल ही रहे हैं बार बार, तो आज इसने खुद ही अप्रोच करके मैं बोला कि मैं आपके साथ क्या मतलब कैंपिंग कर सकता हूँ अभी, तो हमें भी इसमें कोई ऐसा लगा नहीं, हमने भी बिल्कुल हाँ बोल दिया कि चलो साथ में करते हैं कैंपिंग आज। और ये देखो ये पता नहीं क्या जीव है ये डरा रहे हैं, डर रहा है कि डरा रहा है, और ये देखो ये चोर प्रजाति के मिक्स कोई है आस पास की प्रजाति, तो हमारे लोग आज जो है हम लोग साथ कैंपिंग करेंगे, और हमारे साथ इसका जो विष्णु का डॉग है चेस्टर वो भी होगा, ये पीछे जब आवाज आ रही है चेस्टर की बाइक पे, और ये और गुलाबगढ़ में और हम लोग रुक रहे हैं आज राजा गुलाब सिंह के राज्य में। हम पांगी से निकले थे, साथ साथ हमारे चंद्रभागा रिवर भी साथ चली हुई है, ये ऐसा कह सकते हैं चंद्रभागा तो चलती रहती है, उसके साथ साथ हम निकले हैं पांगी से, और अभी इसके साथ आगे जाके एक बोट नाला है वो मिलेगा, तो जो मिलके चुनाव नदी बनाएंगे, ये बहुत प्यारी लोकेशन है, रास्ता छोड़ के लोकेशन का तो क्या ही कहना, बहुत बढ़िया लोकेशन है। आप देखिए रास्ता जरा हो ये देखिए क्या देखिए ये क्या डेंजरस रोड है, ये मेरे को समझ नहीं आ रही है हम कहाँ जा रहे हैं और ये रोड कहाँ जा रहा है। ये देखिए कुदरत का करिश्मा पर मेहनत करके पकड़ना ना, हाँ कुदरत का करिश्मा, बट थोड़ी देर इधर रुक ही जाते हैं, इधर लगा गाड़ी साइड पे। अच्छा यहाँ पे रोड कैसी है, बहुत ही बुरा हालात है, लोकल गाड़ी चली हुई इस वक्त,
रोड कंडीशंस आर वेरी बैड. आई विल शेयर विद यू. आई विल शेयर. आई वांट अ फोटो ऑन अ फोन. आई विल स्टैंड देयर ऑन द ब्रिज. ओके ओके. सो विद द बाइक. गो देयर. या प्लीज. थैंक यू. ओके. तो अभी हम लोग भी चलते हैं तो देखिए जरा क्या लोकेशन है. बहुत ही भयंकर लोकेशन है. और वो गाड़ी फंस गई शायद ऊपर ट्रक. बस ये ट्रक वाला ही मैं पहले बोल रहा था कि यहाँ गाड़ी फंस सकती है आपकी. तो देखते हैं चलते हैं. निकल गया. हमें भी अब सिंगल गो में जाना पड़ेगा. सिंगल गो में जाना पड़ेगा. मुश्किल पड़ी हमें. ये देखिए निकाल ली है गाड़ी. निकाल ली नहीं अभी. किसके रखेंगे अभी गाड़ी को. बटन दबाओ. फ्रेम बटन दबाओ.